फाउंडेशन डे पर टॉपर विद्यार्थी सम्मानित। एकता नगर देवास हीरापुरा अजमेर रोड स्थित डीएन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 24वें फाउंडेशन डे के अवसर पर कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022-2023 के टॉपर विद्यार्थियों को श्रीमती शील धाबाई पूर्व महापौर जयपुर ग्रेटर मदनलाल शर्मा पार्षद वार्ड नंबर 59 राधेश्याम बोरा पार्षद वार्ड नंबर 56 तथा विद्यालय निदेशक बीपी गुजर व संतोष देवी गुजर ने बच्चों को माला मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र व साफा पहनाकर 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम पर रहने वाले श्रीमती सील धाबाई ने विद्यालय के विद्यार्थी व अध्यापक गणों व अभिभावकों को बधाई दी। इस मौके पर विद्यालय ने अपना 24वां फाउंडेशन डे केक काटकर मनाया। विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती पिंकी शर्मा ने आए हुए सभी अभिभावकों व विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का मन संचालन भारती बिष्ट निहारिका गुजर तथा वैभव गुजर ने किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ और मैं हूं गोविंद सिंह नाथावत। और आज हमारी टीम पहुंची है यहां पे दाबास पे, जहां डीएन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहां पे प्रिंसिपल डायरेक्टर सर हमारे सामने मौजूद है। इन्होंने बच्चों ने फिर एक बार क्लास 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा में इन्होंने परचम ले रहा है, कितने कितने परसेंट स्कोर किए, इन सब की जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज नाउ चैनल में आपका स्वागत है। सर, पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे विद्यालय में एज ए प्रेस रिपोर्टर के रूप में यहां पधारे। और आज हमारे विद्यालय को 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 24वें साल में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। आज ये 24th फाउंडेशन डे है। इस फाउंडेशन डे पर जो बोर्ड में जिन्होंने उच्चतर प्रदर्शन किया है, जिनकी श्रेष्ठ मतलब परसेंटेज रही है, उन सभी बच्चों को विद्यालय परिवार की ओर से उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। उन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, साथ ही जो हमारा जो स्टाफ है वो बहुत मेहनती है। उन्होंने अपनी मेहनत से आज धावास में ही नहीं बल्कि जयपुर शहर जो कि राजस्थान की राजधानी है उसमें अपना परचम लहराना बहुत बड़ी बात होती है। सर, आपके बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया, 93% एंड अबव, तो सब क्रेडिट किनको देना चाहते हैं आप? ये जो क्रेडिट है, एक तो जो हमारे माँ बाप हैं, जो बच्चों के जो माँ बाप हैं उनको देना चाहूँगा, साथ ही जो मेरा जो स्टाफ है, प्रिय स्टाफ है, उनको देना चाहूँगा। और इन बच्चों को, विशेषकर इन बच्चों को, कि इनकी मेहनत से, इन्होंने रात दिन मेहनत की, कैसे की, किस प्रकार से की, इनकी मेहनत की वजह से ही आज हमारा विद्यालय इस ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। धन्यवाद सर। देखिए, ये डायरेक्टर सर का व्यूज और यहाँ के कुछ बच्चे खड़े हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। बेटा, आप कौन से क्लास से हैं और आपका नाम बताएं, कितने परसेंटेज आपने स्कोर किया है?
माय नेम इज प्रीति राडेया, आई एम इन 10th क्लास, माय परसेंटेज इज 93%। आप लगातार कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 4 to 5 hours। आप इतने अच्छे स्कोर किए तो आप क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को। चलिए अच्छी बात, और भी बच्चे खड़े हैं, बट आपने क्या परसेंटेज स्कोर किया? 93। क्या नाम है आपका? दीप्ति कुमावत। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे लगातार? 5 to 6। देखिए जब पढ़ाई करते थे आप, बोर्ड एग्जाम से आपने जब फेस किया तो कभी आपको मोबाइल की याद नहीं आई? आई तो थी, लेकिन फिर भी सैक्रिफाइस करना पड़ा परसेंटेज के लिए, इसलिए। देखिए एक तरफ मोबाइल रहता है, दूसरी तरफ से आप हम उम्र के लड़के रहते हैं, अधिकतर अपनी मम्मी को किचन में हेल्प करने की कोशिश ज्यादा करते हैं, तो कहीं आप किचन में भी एंगेज रहे या पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं किया आपने? मैंने किचन में भी अपनी मम्मी की हेल्प करवाई, पढ़ाई भी की, उसके साथ साथ सब कुछ किया। चलिए आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग आपका? यूपीएससी करनी है। थैंक यू सो मच। देखिए सब जानकारी, पढ़ाई के साथ साथ मम्मी को भी हेल्प कराना, अपना कीमती समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन और भी बच्चे खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। आपने क्या परसेंटेज स्कोर किया? सर 81। आपने? 92%। बॉयज ने भी कम हासिल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल मैम, इनसे भी जानकारी लेते हैं। मैम इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी बच्चों का हमारे स्कूल की तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज जो हमारे स्कूल में फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और साथ में बच्चों के लिए ये अवार्ड सेरेमनी हम कर रहे हैं, और साथ में न्यूज़ चैनल का भी आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए मैं एक बार सर से फिर मुलाकात करूँगा, सर मेरा आपसे एक और सवाल है। लगातार आप 23 साल से सफलतापूर्वक आप यहाँ से पहुँचे, और एक गारंटी प्रूफ के साथ सुनने को हमें भी मिल रहा है कि अभी तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, इसके पीछे आप इतना मोटिवेट कर रखे हो अपने अंदर सफलता प्राप्त की, इसके पीछे क्या राज है? सर मेरी एक आदत है कि मैं खुद भी निराश नहीं होता हूं और मेरे बच्चों को भी निराश नहीं होने देता हूं। जी मैं हमेशा उन्हें मोटिवेट करता रहता हूं। जो मेरी एक आदत है कि पीछे सीट पे बैठने वाले विद्यार्थी को भी आगे लाने का प्रयास करता हूं, ये मेरी शुरू से सोच रही है। चलिए बहुत अच्छी बात जानकारी दी। प्रिंसिपल मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जो बच्चों ने जो प्राप्त किया उसे और अच्छा क्रेडिट और आगे जाके अच्छा प्राप्त करें और सफलता के रास्ते चुने। ये धन्यवाद सर। नए साल के रूप में इस नए सेशन में क्या सौगात देना चाहेंगे आप बच्चों को? इस साल हमने लड़कियों के लिए एक विशेष सौगात दी है कि जो 5th क्लास है, 6th है, 7th है, 9th है, 11th, इनमें 50% डिस्काउंट पर हम बेटियों को यहाँ एडमिशन दे रहे हैं, उनसे 50% ही फीस ली जा रही है। और ये घोषणा मैंने 1 अप्रैल को ही घोषणा कर दी थी कि जो भी नया एडमिशन होगा गर्ल्स का, उनको 50% पर भी एडमिशन लिया जाएगा। चलिए सर बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी सौगात। आप कुछ कहना चाह रहे थे मैम, अभी पीछे से बोलिए। जी सर, जैसे राजस्थान आप सबको मालूम है फीमेल जो लिटरेसी रेट है वहाँ पर संघर्ष कर रहा है, और उसी बीच हमारा विद्यालय जो यहाँ पर स्थापित है और वो सबसे टॉप पर हमारी जो गर्ल्स हैं वही यहाँ पर टॉप कर रहे हैं, तो ये हमारी विद्यालय की सबसे बड़ी एक सफलता है। और मैं साथियों से और सर का तो हमको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहता है, तो उससे आकांक्षा रखेंगे हम बच्चों से भी। और ये हमारा एक महज कार्यक्रम नहीं है जो आज हम ये कर रहे थे, ये एक प्रेरणा का, एक जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का कार्यक्रम है कि प्रेरित हुए बच्चे कि हाँ हम अगर मेहनत कर रहे हैं, लगन से हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सम्मान के लिए, हमारे माता पिता के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। हम भी अगर ये करते हैं तो हम भी इस पद पर, यहाँ इस मंच पर रहेंगे। धन्यवाद। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे, इनसे भी पूछ लेते हैं, बेटा आप कौन से क्लास से? 5th, 6th, 6th, अभी 6th में आ गया, वेरी गुड। तो आपने कौन सा ग्रेड हासिल किया? ए। पहली बार आपने एग्जाम फेस किया, आपको डर नहीं लगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं अच्छा सोचूंगी तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। वेरी गुड। क्या नाम बताया आपको? किरण जाटव। वेरी गुड। देखिए किरण, कितनी अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंट इज द मेन कॉन्फिडेंट। एजुकेशन क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में अगर अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो कहीं भी कितनी भी बड़ी दीवार हो उसको टूट के आगे बढ़ सकता बच्चा, अपना लाइफ अचीव कर सकता, गोल हासिल कर सकता। लेकिन यहाँ पे और भी मुख्य अतिथि भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आइए आप इधर आइए, कैमरामैन थोड़ा सा आइए। सर इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जो समाज की तीसरी आंख है उसको धन्यवाद देता हूँ कि आप बेटियों के लिए ये कवर कर रहे हो। और आज इस डीएन पब्लिक स्कूल से मेरे को जुड़े हुए, लगभग 2005 में जुड़ा था, तब से इनका अनुशासन काबिले तारीफ है।
ये एक मंजिल हुआ करती थी जो आज पांचवी मंजिल तक जा रही है। ये इस गुरुदेव का मेहनत का नतीजा है कि ये बच्चे जो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या की तादाद में आ जाए। तो ये और अभी इन्होंने घोषणा की कि 50% फीस माफ़ कर रहे हैं बच्चियों के लिए, तो इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और ये रिजल्ट आना रिजल्ट काबिले तारीफ है। हम पहले फंक्शन में आए थे तब हमने घोषणा की थी कि जो बच्चे यहाँ पे टॉप करेगी उन बच्चियों के लिए हम भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले ऑलरेडी कर दी, तो हमारी बात शायद हो सकता है सरकार पहले सुन लेती है। और ये बच्चे जो आगे बढ़ रही है उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और जितने भी यहाँ पे अभिभावक और जो शिक्षक हैं शिक्षकों का भी धन्यवाद देंगे कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के और इन बच्चों को और आगे बढ़ाने की प्रगति और नए नए आयाम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो शायद कई तो 5-6 बच्चे सर जयन और वो कई पोस्ट के ऊपर सुशोभित अभी भी कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं। तो मैं गुरुदेव को भी अभिनंदन करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। कुछ मैसेज देने से सर, मैं सबको सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप यहाँ पधारे दावास के अंदर। और सर का गुरु हमेशा सिर के ऊपर होता है और गुरु से ही अपन को सब कुछ मिलता है। और गुरु ही एक वो गुरु जी ने जब यहाँ बिल्कुल कच्चा था ना उस टाइम स्कूल खोली थी, यहाँ आसपास में खाली एक सरकारी स्कूल थी, उसके बाद खाली ये DN पब्लिक स्कूल हुई। आज बच्चियों के मामले में बच्चों के मामले में सब में सबसे आगे रहते हैं, किसी भी काम में ये पीछे नहीं रहते। तो मैं सर से यही कहूँगा कि आगे भी अब खेल कूद का भी थोड़ा बच्चों में मनोबल बढ़ाए और बच्चों में खेल कूद का आजकल बहुत बच्चा किसी भी हाँ सबसे ज़्यादा खेल कूद का चल रहा है, तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। धन्यवाद सर। आप में से कोई कहना चाहेंगे सर? आप कहना चाहेंगे कुछ मैसेज? बोलो सर। हमारे बीरबल गुर्जर जी बहुत एक्टिव है सर जी। और पूरा अच्छा मतलब स्टाफ वगैरह खूब की मेहनत है, इस एरिया में सबसे टॉप में है। धन्यवाद। देखिए इस सब की जानकारी आप इसी तरह से जुड़े रहे। गोविंद सिंह नाथ ने सब बच्चों को पर्चे करवाए कितने परसेंटेज स्कोर किए, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी सारे पेरेंट्स से उनके भी विचार विमर्श किस तरह से उनके व्यूज भी लेना जरूरी है। इसके चलते मैडम आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ता कितने साल से पढ़ रहा है? मेरे 6 साल हो गए। कौन से क्लास में? 5th क्लास में। क्या ग्रेड स्कोर किया है जी? कौन सा ग्रेड है बच्चे का? A ग्रेड है। A ग्रेड है। थैंक यू। देखिए और भी पेरेंट्स है सर, आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है कौन से क्लास में पढ़ रहा है? बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है सर। और क्या परसेंटेज स्कोर किया? 83% स्कोर किया है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सर आप स्कूल से कब से जुड़े हो, कितने साल से पढ़ रहे हैं? सर स्कूल से 10 साल से तो बच्चे और मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं स्कूल से लगभग 15 साल से मैं सर से और स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आता रहता हूँ अक्सर और बहुत अच्छा है स्कूल का जी जी, और हमेशा स्कोर अच्छा रहा है, तो मैं बहुत भरोसा करता हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ स्कूल के सारे परिवार का। धन्यवाद सर। सर आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। क्या परसेंटेज स्कोर किया? 93। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। जब जब बच्चे का आप रिजल्ट देखे पहली बार 93% है, तो ये आपको गुड न्यूज किसने दी थी आपको, या आपने कुछ सर्च किया था स्कूल से मिला या बच्चे से मिला? हमने खुद ने भी टेस्ट किया था, टीचर द्वारा भी, सर ने भी किया। तो फिर आपने जो खुशी हुई तो वो किस तरह से जाहिर किया आपने? परिवार टीचर से जाता है, पेरेंट्स से भी जाता है, दोनों के सहयोग से ही हुआ है जी। चलिए अच्छी बात। सर आपके बच्चे कौन से क्लास कोई है आपके? 5th क्लास के अंदर है। कौन से ग्रेड प्राप्त किया? A ग्रेड हासिल किया। तो आप कब से जुड़े हैं स्कूल में? 6 साल हो गए यहाँ से जुड़े हुए। 6 साल जुड़े हैं, शुरू से पढ़ रहा है। चलिए अच्छी बात है कि सारे पेरेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं। लेकिन एक बार फिर मैं डायरेक्ट सर से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सर आपके इतने अच्छे अभिभावक हैं, सब कुछ सारे क्रेडिट्स आपके स्टाफ और मैनेजमेंट के पीछे दे रहे हैं, सबको उन्हीं को दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे यही राज है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना बहुत प्यारे हैं, और इनके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो संस्था आप देख रहे हैं इतनी बड़ी पहुँच गई है, वो बिना पेरेंट्स के सहयोग के बिना नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पेरेंट्स मेरे लिए, तो मैंने लिख भी रखा है अंदर, आप ऑफिस में जाएंगे देखेंगे तो अभिभावक देवो भव मैंने लिख रखा है, ये मेरा स्लोगन है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैंने जो लिख रखा है उस पर खरा उतरूँ। धन्यवाद सर। देखिए सब की जानकारी, आप इसी तरह से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत। गोविंद सिंह नाथ साहब।